2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जहां हर साल के पहले दिन वे खुद और अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा आम जनता के सामने पेश करते हैं। इसी परंपरा को एक बार फिर दोहराते हुए 1 जनवरी को नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। बिहार सरकार की वेबसाइट पर नीतीश समेत सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल के मुकाबले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नगद राशि 46,550 से घटकर 42,500 रुपए हो गई है। हालांकि बैंकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जमा राशि 44,000 से घटकर 42,000 रुपए ही रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 16 लाख की कार और साथ ही साथ 40 लाख की संपत्ति है, जिसमें द्वारका का फ्लैट भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास बैंक में 80 लाख और करीब 1,80,00,000 की संपत्ति है। इसके अलावा नीतीश कुमार के पास 8 गाय और 6 बछड़े हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जो संपत्ति घोषित की है, उसके अनुसार सुशील मोदी के पास 1,48,00,000 की संपत्ति है और साथ ही साथ 17 लाख का कर्ज और नोएडा में एक फ्लैट भी शामिल है। वहीं सुशील मोदी की पत्नी के पास 1,51,00,000 की संपत्ति है। आपदा लघु जल संसाधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव के पास पिछले साल कुल संपत्ति 3,10,00,000 की थी, जो बढ़कर 3,55,00,000 हो गई है। नकद लगभग 3,25,00,000 है।